अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके पास आया हूँ कंप्लीट कोर्स इन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पार्ट वन लेके। मुझे बहुत सी डिमांड, बहुत सी रिक्वेस्ट आई कि जनाब सीबीटी पे या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पे डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स दीजिए। तो आज उस सिलसिले की पहली कड़ी है, इसमें इसका ओवरव्यू भी होगा और काफ़ी सारी थियोरेटिकल एज वेल एज फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स पे बात होगी। अच्छा जी, तो ये कोर्स सबसे पहले ये किसके लिए है? Primarily, this is for psychologists, psychotherapists, psychology students, counselors, doctors, psychiatrists, anybody who's in the helping profession. But also for those of you who are interested in self-help. वो इसलिए कि CBT की एक basic philosophy ये है कि ये specialist की चीज़ नहीं है। ये सिर्फ स्पेशलिस्ट के इस्तेमाल के लिए नहीं है, ये क्लाइंट के इस्तेमाल के लिए, जिसे हम आमतौर पे लोग पेशेंट कहते हैं, उसके अपने इस्तेमाल के लिए। सो अगर हम सही मानों में मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं और उन्हें इनेबल करना चाहते हैं, तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बेहतरीन चीज़ है इसके लिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ये एक और क्लैरिफिकेशन आपके सामने रखना चाहूँगा कि सीबीटी ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में काम भी करे। सीबीटी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये बेस्ट थेरेपी हो हर सिचुएशन में, जैसे बहुत सी और थेरेपीज़ हैं। साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी है, नैरेटिव थेरेपी है, सॉल्यूशन फोकस थेरेपी है। इनमें से अक्सर थेरेपीज़ मैंने बहुत सक्सेसफुली इस्तेमाल की हैं और बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ सीबीटी काम नहीं भी करती। मसलन, अगर आपका क्लाइंट इंटेलेक्चुअली सोफिस्टिकेटेड नहीं है, वेल स्कूल्ड नहीं है, उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो सीबीटी उसके लिए ज़्यादा मुफीद साबित नहीं होती। इसी तरह अगर आपका क्लाइंट जो है वो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस और सीवियर प्रॉब्लम्स हैं, तो बाज़ औक़ात भी ये काम नहीं करती। फिर इसी तरह कई सिचुएशंस ऐसी हैं जहां सॉल्यूशन फोकस्ड या नैरेटिव थेरेपी जो हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं। बहुत डीप रूटेड इश्यूज़ हों, अनकॉन्शियस प्रॉब्लम्स हों, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस हो, तो साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो फिर मैं सीबीटी पे इतने वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, उसकी इस बात की दो बुनियादी वजूहत। सबसे पहली तो ये है कि सीबीटी इज़ द बेस्ट फर्स्ट थेरेपी टू लर्न। ये मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जनाब अगर मेरे पास एक सेमेस्टर है, तो बजाय इसके कि मैं आपको 25 थेरेपीज़ जो हैं उनकी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूँ, मैं आपको सीबीटी अच्छी तरह करवा दूँ ताकि आपको थेरेपी करना आ जाए। सो इट्स द फर्स्ट बेस्ट थेरेपी। दूसरी चीज़ जो इसकी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इतना एविडेंस इस बारे में है कि क्लाइंट सेल्फ हेल्प के उसूलों के तहत अपनी मदद आप कर सकता है। तो थेरेपिस्ट जो है वो आमतौर पे एक लेक्चरर या एक टीचर के रोल में आ जाता है एज ए थेरेपिस्ट, और अपने क्लाइंट को हेल्प करता है कि वो खुद इन चीज़ों को इस्तेमाल करे अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि सीबीटी या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बुनियादी उसूल और इसका बुनियादी फलसफा है क्या। तो साइमा सलमान एक साइकोथेरेपिस्ट हैं, REBT की एक्सपर्ट हैं, वो एक वर्कशॉप कर रही थी। अच्छा, मैं उनके थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको यहाँ पे बता दूँ कि उन्हें अल्बर्ट एलिस ने खुद ट्रेन किया है। वो डॉक्टर नौशीन रहमान की स्टूडेंट भी रही हैं, जो कि पाकिस्तान में REBT की पायनियर्स में से हैं, और डॉक्टर अल्बर्ट एलिस वही हैं जो जिनका डॉक्टर मोहम्मद अजमल मरहूम से काफ़ी क्लोज कांटेक्ट था, और डॉक्टर अजमल ने काफ़ी लोगों को पाकिस्तान से उनको रिकमेंड किया था, जिनमें डॉक्टर नौशीन रहमान इज वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स। तो बहरहाल विद दैट बैकग्राउंड, डॉक्टर अल्बर्ट एलिस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल भी रहे, वो इस वजह से कि चूँकि डॉक्टर नौशीन रहमान ने सेंटर फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी
बहुत अरसे रन किया एज डायरेक्टर, तो वहाँ जो प्राइमरी थेरेपी जो हर एक को आती थी वो रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी आती, जो कि डॉक्टर एल्बर्ट एलिस ने शुरू की. एनीवे, तो लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, विच वॉज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर एल्बर्ट एलिस इन द 1950s. अच्छा जी, तो सबसे बुनियादी प्रिंसिपल जैसे मैंने कहा साइमा सलमान ने हमें बताया वो है यू फील द वे यू थिंक. आप जैसा सोचेंगे वैसा महसूस करेंगे. अब एज अ जनरल स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन बाज़ लोग जो साइकोलॉजिस्ट हैं ख़ास तौर पे एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस चीज़ को भी डिस्प्यूट करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं जी बाज़ोकात उल्टा भी होता है. और ऐसा होता है, मसलन इफ़ यू नो कि इफ़ यू बीन इन द हीलिंग प्रोफेशंस हेल्पिंग प्रोफेशन तो आपको पता होगा जब इंसान डिप्रेस्ड होता है तो अच्छी सोचें मुश्किल से आती हैं, और अगर थेरेपिस्ट उन अच्छी सोचों को लाने की कोशिश करे तो डिप्रेसिव बंदा कई दफ़ा रिजिस्ट करता है, कहता है कि यू नो इस तरह की मुझे लतीफ़े ना सुनाएं या गैर अनरियलिस्टिक बातें ना करें और इनवैलिडेटेड फील करता. तो ये भी एक चैलेंज होता है हमारे लिए, दोज ऑफ अस हु से कि यू फील द वे यू थिंक, समटाइम्स यू थिंक द वे यू फील. तो खैर, लेकिन ये एक इंटेलेक्चुअली एकेडमिक बहस बन जाती है, इसके बारे में हम किसी और दिन जो है वो सैर हासिल बहस करेंगे. लेकिन बुनियादी असूल यही है कि अमूमन आम तौर पे हमारी इमोशन जो है ख़ास तौर पे हमारी नेगेटिव इमोशन जो है वो हमारी नेगेटिव और इरेशनल और डिसफंक्शनल थॉट के नतीजे में सामने आती है. अच्छा, अब एक और जो यहाँ पे उसूल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, पहला तो हो गया ना यू फील द वे यू थिंक, दूसरा है यू आर नॉट योर थॉट्स. अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपकी फीलिंग्स जो हैं वो आपकी थॉट्स कॉज करती हैं या आपकी इमोशंस जो हैं वो आपकी थॉट्स कॉज करती हैं, लेकिन साथ ही मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप और आपकी सोचों में बहुत फ़र्क है, और जितनी जल्दी आप ये फ़र्क पहचानेंगे उतना आप अपने आप को अजियत से बचाएंगे. यानी एक तरफ रियलिटी है, रियलिटी के बारे में आप कुछ थॉट्स रखते हैं, उन थॉट्स के नतीजे में इमोशंस पैदा होती हैं, और जब आप एक दफ़ा ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि रियलिटी मेरी थॉट्स से मुख्तलिफ़ भी हो सकती है तो रियलिटी आप पे इतना नेगेटिव असर नहीं डालती या डाल सकती जितना कि आम तौर पे डाल रही होती है. यहाँ पे मैं एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा और वो है लैंग्वेज. लैंग्वेज जो है वो उसका हमारी थॉट से क्या ताल्लुक है. बाज़ लोगों का ख्याल रहा है जब कॉग्निटिव साइकोलॉजी की इब्तिदा हो रही थी 1950s और 60s में, तो बाज़ लोगों का ख्याल था कि लैंग्वेज और थॉट एक ही चीज़ है. यानी चूंकि हम बहुत सी बातें जो हैं वो लैंग्वेज में ही सोच रहे होते हैं तो इसलिए शायद लैंग्वेज और थॉट एक ही चीज़ है. लेकिन फिर पता चला कि नहीं जनाब, विजुअल थिंकिंग भी होती है. मसलन अगर मैं आपसे आपके घर का रास्ता पूछूं तो आप अपने जहन में सड़क को लेके आते हैं और फिर उस घर की तस्वीर को लेके आते हैं और फिर वहाँ से राइट और लेफ़्ट वगैरह बता रहे होते हैं. तो थॉट जो है वो इमेजेस में भी होती है और स्मेल्स में भी होती है, लेकिन रेयरली. ज़्यादातर थॉट जो है वो वर्बल होती है, यानी लिंग्विस्टिक होती है, यानी ज़बान में होती है. अच्छा, अब इसलिए ये भी एक मसला होता है कि जब थेरेपी हम पढ़ रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं तो वो अक्सर जो है वो अंग्रेज़ी में पढ़ रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं, लेकिन जब हम थेरेपी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपने पाकिस्तानी या इंडियन या जहाँ भी आप रह रहे हैं तो उस दौरान हमें हमारी ज़बान जो होती है जो कि हम पे असरअंदाज हो रही होती है जिस पे हम सोच रहे होते हैं वो उर्दू या हिंदी या पंजाबी सिंधी बलोची वगैरह, तो उन सोचों का जो हम पे असर होता है वो शायद अंग्रेज़ी में उन्हीं अल्फाज को अदा करने से
कैप्चर नहीं होता। तो ये भी एक चीज़ है, हमें एज थेरेपिस्ट उसका ख्याल रखना चाहिए और उसका एहसास करना चाहिए। अब यहाँ भी एक और क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत है, और वो ये है कि ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। REBT इज़ नॉट अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग। वो लोग कहते हैं ना जी, उठो, गेट ऑफ योर सीट्स एंड यू नो गेट वर्क डन, चलो चलो बहादुर बनो, शाबाश शाबाश। सो इट इज़ नॉट मोटिवेशनल स्पीकिंग, इट इज़ नॉट पॉजिटिव थिंकिंग पर से जो REBT में हम करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक पेनफुल रियलिटी को लें और लोगों को नाइव और अनरियलिस्टिक और एस्केपिस्ट लैंग्वेज के ज़रिए कहें कि जी बस बस शाबाश, हौसला करो, हिम्मत करो, आगे बढ़ो। दैट्स नॉट इट, इट डजेंट वर्क। अगर ये काम करता भी है तो कुछ मोमेंट्स के लिए करता है, उसके बाद हम बैक टू द सेम पेनफुल रियलिटी आ जाते हैं। तो REBT या CBT का बुनियादी जो मकसद है, बुनियादी पर्पस है, वो आपको उस पेनफुल रियलिटी से डील करना सिखाना है इन अ रैशनल एंड लॉजिकल मैनर। और ये जो इरैशनल या इररिस्पॉन्सिबल या एस्केपिस्ट टेंडेंसीज एक तरफ, या दूसरी तरफ अनरियलिस्टिक मोटिवेशनल मंबो जंबो के ज़रिए आपको मोटिवेट करने की कोशिश, ये दोनों अनसाइंटिफिक हैं, अनरिलायबल हैं, अनडिपेंडेबल हैं, और मैं ये कहूँगा कि डेंजरस भी हैं। तो उनसे हमें दूर रहना चाहिए। इस पर मेरे काफ़ी और वीडियोज़ हैं जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसमें डेंजर्स ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो बताए गए हैं। बहरहाल, तो अब बात करते हैं REBT के या CBT के बुनियादी मॉडल की। तो इट इज एज सिंपल एज ABC। तो बुनियादी मॉडल जो है न्यूरोसिस का या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का, वो ABC है। ए क्या है? एडवर्सिटी या एक्टिवेटिंग इवेंट। एडवर्सिटी क्या होती है? मुश्किल, तकलीफ, दुख, सदमा, ट्रॉमा वगैरह। एक्टिवेटिंग इवेंट कोई भी ऐसा वाकया जिससे मसाइल पैदा हो गए हों, प्रॉब्लम शुरू हो गई हो, पेन आई हो आपकी ज़िंदगी में, तकलीफ आई हो, उदासी आई हो, दुख आया हो, परेशानी आई हो, तशवीश आई हो, कोई भी प्रॉब्लम, तो वो ए है एक्टिवेटिंग इवेंट। अच्छा, सी क्या है? पहले मैं सी बता दूं, सी कॉन्सिक्वेंस है। सी वो इमोशन है या वो बिहेवियर है जो उसके नतीजे में आप करते हैं। मसलन एक शख्स है, वो आपको गालियां निकाल रहा है, अब ये हम कह लेते हैं कि ये एक्टिवेटिंग इवेंट है। सी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ है कि आप गुस्से में आ गए और आपने उस शख्स को थप्पड़ मार दिया, हालांकि वो आपका बॉस है। अच्छा, अब उस थप्पड़ मारने के नतीजे में यह हुआ कि एक तो उसने आप पे असॉल्ट का पुलिस केस बनवा दिया, दूसरे आपको नौकरी से फारिग कर दिया। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इस ए और सी के दरमियान बी क्या है। बी जो है वो बिलीफ है या वो इरेशनल बिलीफ है जिसने आपको सी पे, उस कॉन्सिक्वेंस पे, इमोशनल या बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस पे मजबूर किया। तो बी क्या बिलीफ है? बी ये बिलीफ है कि मेरी बेइज्जती कर रहा है ये शख्स और मुझसे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही, और दूसरे, और इस बेइज्जती से ज़्यादा बुरी चीज़ मेरे साथ कभी कोई हो ही नहीं सकती। ये है बिलीफ जो कि इस कॉन्सिक्वेंस की तरफ लेके जाता। अब फ़र्ज़ करें कि आपका बिलीफ कुछ और होता, और बिलीफ ये होता कि हाँ, ये शख्स मुझे बुरा भला तो कह रहा है लेकिन इस वक्त गुस्से में, और ये असल में इतना बुरा नहीं है क्योंकि रोज़ मैं इसे डील करता हूँ, ये काफ़ी पोलाइट होता है, लेकिन आज शायद कुछ स्ट्रेस ज़्यादा है, मेरी गलती भी काफ़ी बड़ी थी, तो आई शुड फॉरगिव हिम। और वैसे भी अगर मैं गुस्से में आता हूँ, कुछ बदतमीजी जवाब में करता हूँ, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस को अच्छे नहीं होंगे। अब देखें, लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग के ज़रिए आपने उस कॉन्सिक्वेंस को, जो इमोशनल और बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस था, आपने चेंज कर दिया। सो ये है बुनियादी मॉडल
इलनेस का, ए बी सी। अच्छा, अब इसको ठीक कैसे किया जाता है? अगर अगर बी जो है वो इरेशनल बिलीफ है, तो हाउ डू वी चेंज इट इनटू अ रैशनल बिलीफ एंड हाउ डू वी चेंज द कॉन्सिक्वेंसेज टू पॉजिटिव वंस? तो इसका मॉडल भी एज इजी एज ए बी सी है, यानी ए बी सी डी ई। अच्छा, ये कैसे? ए आपका वही एडवर्सिटी या एक्टिवेटिंग इवेंट, बी आपका इरेशनल बिलीफ, सी कॉन्सिक्वेंस जिसमें इमोशनल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है यानी आपको गुस्सा चढ़ सकता है, और बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है जिसमें आप एंगर के नतीजे में मार कुटाई शुरू कर देते हैं या खुद भी गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो अब डी क्या है? डी है डिस्प्यूटिंग। डिस्प्यूटिंग ये है कि आपका ये बिलीफ कि मेरी बेइज्जती हो रही है, आपका ये बिलीफ कि मेरी बेइज्जती से ज़्यादा बुरी चीज़ मुझसे कोई हो नहीं सकती, आपका ये बिलीफ कि मेरी बेइज्जती जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, और ये बिलीफ कि ये बेइज्जती की वजह से सब कुछ ख़त्म हो चुका है और अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह, और इस तरह की और बहुत सी एग्जैजरेशंस और इलॉजिकल चीज़ें, इनको थेरेपिस्ट या आप खुद डिस्प्यूट करते हैं कि ये वाकई क्या सही मैं सोच रहा हूँ, क्या वाकई ऐसा ही है, क्या वाकई सब कुछ ख़त्म हो रहा है इस बेइज्जती के नतीजे में, क्या वाकई आपकी बर्दाश्त से बाहर है। और यकीनन ये सारे जो अजम्पशंस हैं ये गलत हैं, ये सारे बिलीव्स जो हैं ये इरेशनल हैं, और डिस्प्यूटिंग के ज़रिए आप अपने बिलीव्स को चैलेंज करते हैं। और ई क्या है? इफ़ेक्टिव बिलीफ या लॉजिकल और रैशनल बिलीफ, वो बिलीफ जो आपको कोप करने में मदद देता है इस अनप्लेजेंट पेनफुल सिचुएशन से। सो जहाँ पे प्रॉब्लम ए बी सी है, उसका सॉल्यूशन ए बी सी डी ई है। तो ये है बुनियादी मॉडल। तो हम बात करते हैं, हमें उन इरेशनल आइडियाज़ का पता होना चाहिए जो कि रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी में डॉक्टर एल्बर्ट एलिस ने दिए, और बाज़ बुक्स में उनकी शुरू में 11 बिलीव्स थे, फिर 12 हुए वगैरह। मैं उन 11 बिलीव्स की बात करूँगा आपसे जो मेरे ख़्याल में हम पाकिस्तान में अपने कल्चर के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉपरली। तो उनमें सबसे पहला बिलीफ ये है, मुझे प्यार चाहिए है ज़िंदा रहने के लिए, मुझे हर उस शख्स का प्यार और अप्रूवल चाहिए है जो मेरी ज़िंदगी में ज़रा भी अहम है, यानी ये मेरी नीड है। अगर मुझे उनसे मोहब्बत या अफेक्शन या अप्रूवल नहीं मिलता तो मेरी ज़िंदगी जो है वो इम्परफेक्ट है, सैड है, टेरेबल है, हॉरेबल है, अबनॉर्मल है, वगैरह वगैरह। मेरी एक डायर नीड है, डायर नेसेसिटी है टू बी लव्ड एंड फॉर एवरी लिटिल थिंग दैट आई डू, यानी मैं कुछ भी करूँ मुझे उनका अप्रूवल चाहिए, और अगर वो मुझे नहीं मिलता तो ये बहुत ही तबाही की बात है, बर्बादी की बात है, बुरी बात वगैरह। तो आप सब अपने अंदर ये नीड महसूस कर सकते हैं, मैं भी कभी कभी करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि एक इरेशनल इलॉजिकल बिलीफ है। दूसरा इरेशनल बिलीफ एल्बर्ट एलिस के मुताबिक ये है कि जो लोग बुरा बिहेवियर करते हैं वो नेसेसरली बुरे लोग हैं, इवल लोग हैं, जिन्हें हर वक्त कंडेम किया जाना चाहिए और उनको अपोज किया जाना चाहिए, और ऐसे लोगों का के लिए जो है वो दुनिया में कोई जगह नहीं। अच्छा, इंस्टेड ऑफ द बिलीफ के कई लोग जो हैं वो एंटी सोशल बिहेवियर में एंगेज कर देते हैं, कई लोग बेवकूफ़ी की वजह से करते हैं, कई लोगों की नीयत अच्छी होती है लेकिन हरकत गलत कर बैठते हैं, कई लोगों की नीयत भी बुरी होती है और बुरी हरकत कर भी देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्स्टेंटली परमानेंटली ईवल लोग हों। ज़रा अपने बिहेवियर पर नज़र दौड़ाइए और देखिए कि क्या आपने कभी कोई बुरी चीज़ नहीं की, क्या आपने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी, क्या आपने कभी किसी सो कॉल्ड ईवल बिहेवियर में एंगेज नहीं किया। तो अप्लाई द सेम टू अदर पीपल, एंड
बाज लोग जो हैं वो दूसरों की जगह अपने ऊपर ही अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और अपने आप को ईविल समझना शुरू करते हैं। ये भी गलत है और ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स कॉज करता है। तीसरा बिलीफ ये है कि जब लोग ऐसे नहीं होते जैसा आप उन्हें चाहते हैं, यानी इफ़ पीपल आर नॉट द वे आई वॉन्ट देम टू बी, इट इज़ हॉरिबल, इट इज़ टेरेबल, इट इज़ ईविल। तो ये भी एक इलॉजिकल बिलीफ है। इंस्टेड कि हम ये सोचें कि जी हम उन्हें कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिन लोगों को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उन्हें हम करें, और जिन लोगों को नहीं कर सकते इन्फ्लुएंस उनको एक्सेप्ट कर लें, उस हकीकत को एक्सेप्ट कर लें कि जी ये तो चेंज नहीं हो सकते। लेकिन बजाय इसके कि इसमें हम फंसे रहें इस थॉट में और इसमें अपने आप को तकलीफ देते रहें। चौथी चीज़ ये है या चौथा बिलीफ ये है कि मिजरी इज़ एक्सटर्नली कॉज्ड, यानी जब हालात ख़राब होते हैं तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, जब हालात ख़राब होते हैं तो हम वरीड हो जाते हैं, एंक्शस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जब हालात ख़राब हों तो हम दुख में चले जाते हैं। ये बिलीफ जो है, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि रियलिटी में तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पेनफुल होती हैं, लेकिन न्यूरोसिस जो है वो अक्सर हमारी इंटरप्रिटेशन की वजह से होता। तो और अल्बर्ट एलिस का तो ये कहना है कि 90% ऑफ ह्यूमन मिजरी इज कॉज्ड बाय आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिफ़िकल्टी। तो डिफ़िकल्टीज तो हैं लेकिन वो सिर्फ 10% ऑफ नेगेटिव इमोशन कॉज करती हैं। मेजॉरिटी ऑफ नेगेटिव इमोशन इज कॉज्ड बाय आर बिलीव्स, आर इंटरप्रिटेशंस, एंड दैट इज व्हाट ही कॉल्स न्यूरोसिस। फिर अगला बिलीफ जिसको वो अल्बर्ट एलिस साइट करते हैं वो है कि अगर कुछ चीज़ें ज़िंदगी में डेंजरस हैं या फियरसम हैं तो हमें हर वक्त उनके बारे में सोचना चाहिए और अपसेट होना चाहिए और ऑब्सेस करना चाहिए, इंस्टेड क्या उन्हें फेस करें, उस डेंजर को रिमूव करें, और जहां वो डेंजर रिमूव नहीं हो सकता उसे एक्सेप्ट करके आगे चलें। सो दिस इज़ अनदर इरेशनल बिलीफ जिसको चैलेंज करके हम अपनी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते। फिर एक और बिलीफ ये है, एक और इरेशनल बिलीफ कि जब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए तो उसे अवॉइड करना, चिल करना हमें खुश रख सकता है, एटलीस्ट आर्जी तौर पर। मसला ये होता है कि हम आर्जी तौर पर खुश हो भी जाएं, इट इज़ एक्चुअली हार्डर इन द लॉन्ग रन कि अगर हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते रहेंगे और इरिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे तो लॉन्ग टर्म में वो और मुश्किल खड़ी कर देंगी। तो इट्स बेटर टू फेस देम एंड ट्राई टू चेंज देम, और जहाँ चेंज नहीं हो सकती वहाँ ट्राई एंड एक्सेप्ट देम। फिर एक और चीज़ जैसे अक्सर जो हाई अचीवर्स हैं या टॉप स्टूडेंट्स हैं या और परफेक्शनिस्ट जो लोग अपने आप को कहते हैं, उनमें अक्सर ये बिलीफ होता है कि वन शुड बी थॉरली कॉम्पिटेंट, एब्सोल्यूटली इंटेलिजेंट इन ऑल पॉसिबल वेज, यानी मैं जो सब्जेक्ट भी उठाऊं उसमें टॉप करूं, जो काम भी शुरू करूं उसमें बेहतरीन हूं। अच्छी बात है ये ख्वाहिश करना, लेकिन जब नहीं हूं तो फिर आई हैव नो राइट टू लिव, इस तरह की बात है, तो सब कुछ फिर सब कुछ बेकार है। तो ये जो है सिर्फ अवेयरनेस इस चीज़ की चाहिए कि देर आर जनरल ह्यूमन लिमिटेशंस ऑन ऑल ऑफ अस। हम सब माउंटेनियर्स नहीं बन सकते, हम सब बेस्ट क्रिकेटर्स नहीं बन सकते, फुटबॉल स्टार्स नहीं बन सकते। मुझसे अक्सर लोग बहस करना शुरू कर देते हैं, अभी एक साहब रिसेंटली मुझसे बात कर रहे थे कि जी इंसान का दिमाग जो है उसको हम 10% इस्तेमाल करते हैं, बाकी 90% भी इस्तेमाल करें तो हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल क्रैप, सॉरी टू से दैट, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। बहुत सारी जनरल ह्यूमन लिमिटेशंस हैं और बहुत सारी स्पेसिफिक वीकनेसेस हैं जो हम सब में होती हैं। कुछ चीज़ों का बहुत टैलेंट भी होता है और कुछ चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं होता। सो ये भी एक इरेशनल थॉट और इरेशनल बिलीफ है। अच्छा जनाब, तो अगला बिलीफ ये है कि जो पास्ट है हमारा, पास्ट ट्रॉमास, पास्ट एक्सपीरियंसेस शुड कंटिन्यू टू अफेक्ट अस, इट मस्ट कंटिन्यू टू अफेक्ट अस, इट प्रोबेबली कंटिन्यूज टू अफेक्ट अस थ्रू आउट आवर लाइव्स। डॉक्टर अल्बर्ट एलिस इसको चैलेंज करते हैं, वो ये कहते हैं यस वन शुड लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, राइट,
जो भी अगर कोई नेगेटिव चीज़ हुई है पास्ट में उसे हमें सीखना चाहिए और ऐसी चीज़ों को दोबारा प्रिवेंट करने के लिए या उनसे पॉजिटिव लेसन सीखने के लिए उन्हें ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन ये सोचना कि जी हम उनकी वजह से स्कार हो गए हैं या डैमेज हो गए हैं या पता नहीं हमें क्या हो गया, ये गलत है और ये खामखा की प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो बजाय इसके कि पास्ट एक्सपीरियंस से हम कोई पॉजिटिव चीज़ निकालें, वो हमें तकलीफ़ देना शुरू कर देता है क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि इसकी वजह से हमें तकलीफ़ होनी चाहिए। ऑलमोस्ट यानी जो आपका बिलीफ है वो तकलीफ़ दे रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस तकलीफ़ दे या ना दे। तो इसको भी चैलेंज करना बड़ा ज़रूरी है कि पास्ट डज नॉट इनडेफिनेटली डिटर्मिन आवर मिजरी और प्रोड्यूस मिजरी। दिस आई थिंक इज अ क्रूशल बिलीफ, यानी बाकी सारे भी हैं लेकिन ये इट गोज़ टू द हार्ट ऑफ द सीबीटी फिलॉसफी। क्यों? कि साइकोडायनामिक थ्योरी तो बेस्ड इसी चीज़ पे है कि जी बचपन में के पहले 5 साल में जो हो गया, हमारी शख्सियत बन गई। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपकी शख्सियत कॉन्स्टेंटली बन रही है और चेंज हो रही है जैसे जैसे आप चीज़ों को बिलीव कर रहे हैं, चीज़ों को डिसबिलीव कर रहे हैं, चीज़ों को चैलेंज कर रहे हैं अपने बिलीव्स को, वैसे वैसे आपकी शख्सियत भी नई फॉर्म हो रही है। सो यू सी द डायनामिक नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर थेरेपी। फिर अगला बिलीफ यह है कि हर शख्स को या कम से कम मुझे हर वक्त परफेक्टली कंट्रोल करना चाहिए अपने आप को, और मुझे हर वक्त टोटल कंट्रोल में होना चाहिए और मुझे अपनी इमोशंस अपनी थॉट्स पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए बजाय इसके, और अपनी सिचुएशन पे भी पूरा कंट्रोल होना बजाय इसके कि रियलिटी जो है उसमें बहुत सारी रैंडमनेस और चांस है, प्रोबेबिलिटी है, उसको हम फेस करें और उसको फेस करते हुए भी लाइफ को एंजॉय किया जा सकता है। और उसी तरह अपनी इमोशन को अपनी थॉट को हर वक्त कंप्लीट कंट्रोल में लाने की बजाय फ्लक्चुएशंस और वेरिएशंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगला इरेशनल बिलीफ जो है वो ये है कि इन एक्शन या इनर्शिया से हैप्पीनेस क्रिएट हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स और उन सूफिया को नहीं क्रिटिसाइज़ कर रहे जो कहते हैं कि जी चीज़ें रब पे छोड़ दो, बल्कि वो उन लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि जी हमें हरकत करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमारे पास आ जाएगा। हैप्पीनेस कभी भी इन एक्शन या इनर्शिया से नहीं आती, हैप्पीनेस आती है अपने आप को काम में एब्जॉर्ब करने से, जिसे फ्लो कहते हैं। इस पे चिकसन मिहाली ने जो काम किया हैप्पीनेस पे, और वो कहते हैं कि जी फ्लो जिसका नाम है कि जी फ्लो इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हैप्पीनेस। तो जब आप किसी काम में पूरी तरह एब्जॉर्ब और इन्वॉल्व हुए होते हैं तो वो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस रिपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी रिपोर्ट करते हैं। और फाइनली कि हमारा इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं, एक तरफ तो हम उन्हें कंट्रोल करना चाह रहे हैं, दूसरे ये है कि ये बिलीफ कि हमारा इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं है और वो एक्सटर्नल इवेंट्स की वजह से कॉज होती, जबकि हम अपनी थॉट्स को मैनेज कर सकते हैं। कंट्रोल की मैं बात नहीं कर रहा, हम अपनी थॉट्स को मैनेज कर सकते हैं और उन थॉट्स के ज़रिए अपने मूड को और अपनी इमोशन को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जनाब, सो ये थी REBT के 11 इरेशनल आइडियाज़ जो मैंने आपसे, या इरेशनल बिलीफ्स IBs भी जिन्हें कहते हैं शॉर्ट में, और उनको चैलेंज करने का तरीका। अब कुछ बात करते हैं एरन टी बेक की डिसफंक्शनल थॉट्स की। तो एरन टी बेक जो हैं वो डिसफंक्शनल थॉट्स जो हैं उनके कुछ ओवरलैप करती हैं अल्बर्ट एलिस से, लेकिन कुछ डिफरेंट भी हैं, तो आई थिंक दे डिज़र्व अ सेपरेट मेंशन। मैं 10 थॉट्स की बात करूंगा, 10 डिसफंक्शनल थॉट्स। तो उनमें से पहली है ब्लैक एंड वाइट या ऑल और नन। ब्लैक एंड वाइट या ऑल और नन थिंकिंग ये होती है कि या मुझे ये मिले वरना कुछ नहीं मिला, मेरी फलां लड़की से शादी हो जाए वरना मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगा, मैं मेडिकल कॉलेज में जाना है, मेडिकल कॉलेज में नहीं गया तो और कुछ भी नहीं है ना, कुछ हो ही नहीं सकता, बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। तो इस किस्म की थिंकिंग करके हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अजियत पहुंचाते हैं। कई दफ़ा हमारे पेरेंट्स जो हैं वो इस तरह की थिंकिंग हमें प्लांट करते हैं और वी डोंट नो हाउ एल्स टू
deal with it. Black and white और ऑल और नन थिंकिंग के बजाय हमें ये याद रखना चाहिए कि ज़िंदगी जो है उसमें सिर्फ ब्लैक और वाइट नहीं है और बहुत सारे कलर्स भी हैं और ब्लैक और वाइट के बीच में बहुत सारे शेड्स ऑफ ग्रे भी हैं. तो लाइफ इज़ नॉट ईजीली डिवाइडेड इनटू ब्लैक एंड वाइट और ऑल और नन. दूसरी किस्म की थिंकिंग है जिसकी आगे दो सब थाट्स सब टाइप्स हैं वो है मैजिकल थिंकिंग. यानी मैं दोनों सब टाइप्स की बात करता हूँ फिर ये क्लियर हो जाएगा. मसलन फॉर्चून टेलिंग कि जी आपने कोई काम शुरू किया, आप कहते हैं जी मेरा ये काम जो है मुझे पता है कि ये ठीक तरह से कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि मेरा आज तक कोई काम सही हुआ ही नहीं है. अब ये फॉर्चून टेलिंग है क्योंकि आप पहले ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो इमेजिन कर लेते हैं अपने काम के और अपने आप को तकलीफ पहुँचाते हैं. दूसरी नेगेटिव थिंकिंग जो है ये डिसफंक्शनल थिंकिंग जो है मैजिकल वो ये है कि कोई बंदा आपकी तरफ देख रहा है, आप कहते हैं ये मेरे बारे में बुरा सोच रहा है. दिस इज़ कॉल्ड माइंड रीडिंग. तो ये माइंड रीडिंग है क्योंकि जाहिर है आपके पास कोई ऐसा लॉजिकल तरीका नहीं है जिससे आप जान सकें कि वो बंदा क्या सोच रहा है, लेकिन आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि मुझे पता है कि वो मेरे बारे में बुरा सोच रहा है. बाज़ लोग ऐसी बातें कहते भी हैं. सो दिस इज़ फॉर्चून टेलिंग एंड माइंड रीडिंग और ये दोनों मैजिकल थिंकिंग की किस्में हैं. तीसरी थॉट जो है वो है कैटास्ट्रफाइजिंग. यानी अगर कोई चीज़ तकलीफ़ दे या परेशान कुन होती है तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है. इसका मतलब है कि बर्बादी है, बस बेड़ा गर्क जैसे हम कहते हैं ना पंजाबी में और उर्दू में कि जी बेड़ा गर्क हो गया, सब कुछ मुक गया, तो वो कैटास्ट्रफाइजिंग है. हालांकि हम ज़िंदगी में बहुत सारी पेनफुल चीज़ें बर्दाश्त करते हैं, बहुत सारे फेलियर्स बर्दाश्त करते हैं, लेकिन द एंड तो फिर भी नहीं होता ना, ज़िंदगी चलती रहती है. तो उम्मीद से चलते रहना चाहिए, कैटास्ट्रफाइज नहीं करना चाहिए. चौथी है ओवर जनरलाइजेशन. मसलन पीपल आर अनट्रस्टवर्दी, पीपल आर अनरिलायबल, मैन आर पिग्स, वेमेन आर कनिंग वगैरह वगैरह. इस तरह की जो ओवर जनरलाइजेशन हम बना लेते हैं वो भी हमारे लिए बहुत तकलीफ़ का बायस होती हैं और बाज़ों का रियल रिलेशनशिप्स को प्रिवेंट करती हैं ऐसी चीज़ें. फिर मिनिमाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग. मिनिमाइजिंग ये होती है कि आप आमतौर पर क्रिमिनल बिहेवियर में ये देखी जाती है कि आपको बहुत संगीन काम करते हैं लेकिन कहते हैं नहीं यार क्या हुआ, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है. तो ये मिनिमाइजिंग की एक किस्म है. आप अपने घटिया से घटिया या बुरे से बुरे काम को कोई जस्टिफिकेशन दे के मिनिमाइज कर देते. और इसी तरह मैक्सिमाइजिंग क्या है कि किसी ने कोई छोटी सी बात की, उसको आप बात का बतंगड़ बना लेते हैं, राई का पहाड़ बना लेते. आप कहें देखें ना आज तुमने ये किया, कल को तुम किसी का सर पाट दोगे, परसों किसी को कत्ल कर दोगे, ये तो कोई तरीका नहीं वगैरह वगैरह. पेरेंट्स ऐसे अक्सर करते हैं तो ये नहीं करना चाहिए. फिर जंपिंग टू कंक्लूजन्स. जंपिंग टू कंक्लूजन्स ये है कि जनाब किसी ने कोई भी चीज़ की, आपने उससे कोई ऐसा नतीजा निकाल लिया जिसका कोई लॉजिकल रब्त नहीं बनता. और बाज़ ये भी मैजिकल थिंकिंग की तरह कि हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं विदाउट एनी रियल एविडेंस फॉर इट. फिर एक और जो नेगेटिव या डिसफंक्शनल थॉट जिसकी बैक बात करते हैं वो है पर्सनलाइजेशन. और पर्सनलाइजेशन ये होता है कि मसलन माँ बाप में लड़ाई हुई तो बच्चा ये सोचता है कि जी ये मेरी वजह से हुई है, हालांकि उनके अपने इतने इशूज़ हैं कि बच्चे के बीच में आने की ज़रूरत ही नहीं है. लेकिन अक्सर बच्चे जो हैं चिल्ड्रन ऑफ सेपरेटेड और डिवोर्स पेरेंट्स ब्लेम देमसेल्फ. फिर है लेबलिंग. यानी आप किसी चीज़ में फ़ेल करते हैं तो कहते हैं जी मैं फेलियर हूँ, आप कोई बैटल लूज़ करते हैं तो आप कहते हैं जी मैं लूज़र हूँ. तो ये भी या कोई और दूसरे को कहना कि ये तो लूज़र है, फलाना तो फेलियर है, फलाना तो इडियट है वगैरह. तो इस तरह के लेबल्स लगाना अपने ऊपर या दूसरे पे भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस कॉज करता है, पेनफुल इमोशन कॉज करता है. फिर शुड्स एंड मस्ट्स. हमारी ज़िंदगी जो है हमने शुड्स और मस्ट से भर ली है. कुछ तो सही वाले लॉजिकल डिमांड्स हैं लेकिन उनमें से अक्सर जो डिमांड्स होती हैं वो या तो इलॉजिकल होती हैं या ऐसी होती हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता. और बाज़ औक़ात ये डिमांड जो हैं माजी से होती हैं. मसलन काश मैं काले रंग का पैदा ना हुआ होता, काश मैं गोरा पैदा हुआ होता, काश मैं
इतने छोटे कद का ना होता वगैरह वगैरह. तो दीज शुड्स एंड मस्ट्स जो हैं, दीज डिमांड्स ओनली कॉज अस सफरिंग. फिर नंबर 10 जो इनकी लिस्ट में है एरेंटी बैक की, वो है इमोशनल रीजनिंग. यानी फ़र्ज करें कि आप किसी वजह से एंक्शस हैं, तो आप उस पूरी सिचुएशन को जिसमें आप एंक्शस हैं नेगेटिवली इवेल्यूएट करते हैं और सोचते हैं कि ये सिचुएशन बहुत बुरी है, हालांकि ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, सिर्फ आप ही ऐसे फील कर रहे हो. अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं सीबीटी की कुछ एसेंशियल टेक्निक्स की. इसमें सबसे पहली जो टेक्निक जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो है जर्नलिंग या डायरी कीपिंग. इसमें ये होता है कि हम क्लाइंट्स को कहते हैं कि वो, मैं तो इसे एक सीक्वेंस में करता हूँ. मसलन सबसे पहले मैं कहता हूँ जी कि आप डिसफंक्शनल मूड डायरी लिखें. उसमें क्या है, बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं, डेट एंड टाइम एक कॉलम, दूसरा कॉलम सिचुएशन क्या हुआ था, इवेंट क्या था, एनवायरनमेंट में क्या हुआ था, और तीसरी चीज़ आपका रिजल्टिंग मूड क्या था. ठीक है ना जी. एक मसलन एक लड़की रिपोर्ट करती है कि जी रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे थे, तो मैंने कहा कि मैंने कपड़े नहीं बदलने, मैंने कोई नहीं बनना संवरना, ऐसे लोग रोज़ उठ के आ जाते हैं और मुझे एंग्शस करते हैं और मुझे तंग करते हैं. तो अम्मी ने मुझे डांटा. अब ये सिचुएशन मूड क्या है कि जी अब मैं कमरे में चली गई, मैं रोने लगी और मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया, मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा और बस आई एम डिप्रेस्ड. ओके, सो इस तरह की सिचुएशंस को वो पहले अपनी मूड की डायरी रखते हैं. उसके बाद उन्हें इनकरेज किया जाता है कि वो उस मूड के दौरान अपने आप से क्या कह रहे हैं, इसको ज़रा डिस्कवर करें, एक्सप्लोर करें, देखें व्हाट इज़ देयर सेल्फ टॉक, व्हाट आर दे थिंकिंग ड्यूरिंग दिस मूड. तो अब ये होता है कि अब हम समझें कि चौथा कॉलम भी इन्वॉल्व हो जाता है इसमें. सो पहले कॉलम में डेट एंड टाइम, दूसरे में सिचुएशन, तीसरे में मूड और चौथे में वो थॉट जो आप सेल्फ टॉक जो आप कर रहे हैं. मसलन कि माय मदर डजंट लव मी एंड द अदर थॉट इज दैट इट्स टेरिबल बिकॉज माय ओन मदर डजंट लव मी, और चूंकि मेरी अम्मी मुझे प्यार नहीं करती, मुझे ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है और इसलिए मैं मर ही क्यों ना जाऊँ वगैरह. अच्छा, तो अब अगला स्टेप क्या होता है. अब हम ये करते हैं कि डेट टाइम हो गई, सिचुएशन हो गई, मूड हो गई, और अब हमने उस थॉट को भी आइडेंटिफाई कर लिया, और इस थॉट इन थॉट्स को हम कहते हैं डिसफंक्शनल थॉट्स, क्योंकि ये आप में ये नेगेटिव मूड पैदा कर रही है. तो इस नेगेटिव मूड को अब हम क्या करते हैं कि अल्टरनेटिव थॉट्स से चैलेंज करते हैं. मसलन अल्टरनेटिव थॉट क्या है, अल्टरनेटिव थॉट सबसे पहले ये थॉट ये कि माय मदर डजंट लव मी, इज़ दैट ट्रू. तो मैं उनसे पूछता हूँ कि जी इस वक्त 26 साल आपकी उम्र है और अगर आपकी वालिदा आपको प्यार नहीं करती हैं बल्कि जैसे आप कह रही हैं नफ़रत करती हैं, तो आपने ये 26 साल की उम्र कैसे पाई, बचपन में ही कहीं फेंक फूंक दिया होता, आपको दूध ना पिलाया होता, आपका ख्याल ना रखा होता, आपको बीमारियों से बचाने के लिए दवा दारू ना किया होता डॉक्टरों के पास वगैरह. एंड इन फैक्ट व्हाट वी डू इज़ नॉट टेल देम दिस बट आस्क देम क्वेश्चन सो दैट दे टेल अस दिस, राइट. तो व्हेन दे टेल अस दिस हम ये करते हैं कि फिर उसको अल्टरनेटिव थॉट के खाने में लिख लेते हैं, और अल्टरनेटिव थॉट के खाने में जब लिख लेते हैं और क्लाइंट टोटली बिलीव कर लेता है कि हाँ जी माय मदर एक्चुअली डज लव मी, तो फिर पूछते हैं कि अच्छा फिर आपका मूड कैसा है. तो ये उन्हें एक्टिविटी जो है दिस इज़ कॉल्ड अ डिसफंक्शनल थॉट रिकॉर्ड, अ DTR. और डिसफंक्शनल थॉट रिकॉर्ड जिसमें बुनियादी तौर पर ये 6 कॉलम्स होते हैं, डेट एंड टाइम, सिचुएशन, मूड, डिसफंक्शनल थॉट, अल्टरनेटिव थॉट और मूड एट दी एंड या आउटकम. तो इसको फॉलो करने से, इस डायरी कीपिंग से, इस जर्नलिंग से जो आपका क्लाइंट है वो बेहतर फील करना शुरू कर देता है और उसकी आहिस्ता आहिस्ता कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग शुरू हो जाती है. अच्छा, अब इसके अलावा एक्टिविटी स्केड्यूलिंग है. एक्टिविटी स्केड्यूलिंग जो है वो आम तौर पर हम डिप्रेशन के क्लाइंट्स के साथ करते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो घर में लेटे रहते हैं, जॉब पे नहीं जा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, कोई लेजरली एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई खुशी का काम नहीं कर रहे हैं, कोई अब्जॉर्बिंग एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई इन्वॉल्विंग एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, बेसिकली कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे. तो उनके लिए हम एक्टिविटी स्केड्यूलिंग करते हैं
और उसमें वो बिहेवियर्स जो उनके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, मसलन मेडिटेशन, मसलन वॉक, मसलन बाज़ू का सोशल स्किल्स ट्रेनिंग भी करवाते हैं, और सोशल स्किल्स ट्रेनिंग में ये होता है कि इट इज़ पार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी स्केजूल, जिसमें अगर हमारे ख्याल में उनकी सोशल स्किल्स में कोई कमी है तो वो बेहतर की जाती है। और ये उन लोगों के लिए भी की जाती है जो सुइसाइड से सफ़र करते हैं या उसकी कोई प्रॉब्लम उनमें ऐसी होती है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ कि ये पार्ट वन है, और ज़ाहिर है कि हम स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स के या प्रॉब्लम्स के हवाले से डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे, दिस इज़ जस्ट पार्ट वन। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ ओवरव्यू जो है कुछ और टेक्निक्स का इस हद तक देना चाहूँगा कि आप में से जो लोग एक्सपीरियंसड हैं कम अज़ कम या ट्राई आउट करना चाह रहे हैं, वो इनको ट्राई कर सकें। तो एक एक्टिविटी है बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट। मसलन एक शख्स जो है वो डरता है कि जनाब मैं सोशल सिचुएशन में नहीं जा सकता क्योंकि मैं वहाँ जाऊँगा तो उनको मैं बोंगी मार दूँ मसलन। तो हम उनसे बहुत सारे बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं, उनसे उन्हें ऐसी सोशल सिचुएशंस में लेके जाते हैं जो उनके लिए कुछ ज़्यादा अहम नहीं होती, लेकिन उनमें वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, वो एक्चुअली टेस्ट कर सकते हैं कि जनाब मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ बातचीत की, कोई तबाही नहीं आई, कोई बर्बादी नहीं आई, कोई हंसा भी नहीं मुझ पर, लोगों ने इसे नॉर्मली लिया और मैं वहाँ से करके वापस आ गया मसलन। सो यूजुअली आमतौर पर इस तरह की फाइंडिंग्स होती हैं इन एक्सपेरिमेंट्स की। सो क्लाइंट को जो सिचुएशन भी डिफ़िकल्ट लग रही है उसकी कोई इजी वर्जन जो है उसे लेके आप उसे एक्सपेरिमेंट करवा के देख सकते हैं कि चलो यार ये जैसे लेबॉरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट होता है या फील्ड में एक एक्सपेरिमेंट होता है, हम फील्ड में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि तुम जाओ वहाँ पे 5 मिनट खड़े होके आ जाओ, या तुम फलां से बात करने से हिचकिचा रहे हो तो जाओ फलां से बात करके आ जाओ, देखो क्या होगा। अच्छा, फिर इसी तरह पैनिक अटैक के लिए एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं इंट्रोसेप्टिव एक्सपोजर। इंट्रोसेप्टिव एक्सपोजर में क्या होता है कि पहले तो हम मेडिकल चेकअप करवा लेते हैं पूरा अच्छे तरीके से कि क्लाइंट को कोई ऐसी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वो अर्जेंटली देखने की ज़रूरत है, और अगर ऐसी नहीं है तो फिर हम उस पैनिक को कैसे हैंडल करते हैं, हम क्लाइंट को कहते हैं कि जी अपनी वो सारी फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स बताएं जिनके नतीजे में आपको लगता है कि आप मरने वाले। मसलन वो कहते हैं जी कि यहाँ क्रैम्प पड़ा है, उसकी दर्द हो रही है, या पेट में कोई टीस सी उठी है जो कि लगता है कि दिल में से उठी है वगैरह। अब आपने टेस्ट हो चुके हैं, हमें पता है कि ऐसा नहीं हो रहा, दिल को कोई मसला नहीं है और कोई और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम ये कहते हैं कि ओके जब आप नेक्स्ट टाइम ये सिम्टम फील करेंगे तो आप अपने आप को बताएंगे कि मैं मर नहीं रहा और ये गैस की वजह से या क्रैम्प की वजह से या किसी पुरानी चोट की वजह से या किसी भी और रीज़न की वजह से हो रहा है। तो उसको एक्चुअली बेयर करना, उस एंग्जाइटी को, उस पैनिक को उस वक्त बेयर करना और अपने आप को बताते रहना, सो दैट इज़ इंट्रोसेप्टिव एक्सपोजर। अच्छा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं होता कि हर वक्त ये काम करे। तो अगर आप अकेले हैं एंड इफ़ देयर इज़ समबडी एल्स इन द हाउस, दे शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू मे बी वेक अप एंड हेल्प यू। तो ग्रेजुअली लेकिन यू कैन लर्न टू डील विद इट बेटर। फिर एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं प्ले द स्क्रिप्ट अंटिल द एंड। मसलन कुछ लोग कहते हैं यार मैं एग्जाम में फेल हो गया तो क्या होगा, तो हम कहते हैं अच्छा यार स्क्रिप्ट को जरा एंड तक लेके जाते हैं। अच्छा, फर्ज करें खुदा न खास्ता फेल हो जाते हैं, फिर क्या होगा, रिटोरिकल क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअल बात करते हैं। यार दोबारा फीस जमा करानी पड़ेगी, अब्बू जो है वो डांटेंगे, अच्छा और फिर वैसे भी इस दफ़ा तैयारी अच्छी नहीं थी, अगली दफ़ा ज़्यादा अच्छी तैयारी कर लूँगा, मे बी आई कैन इवन गेट अ बेटर ग्रेड। ओके, सो यू सी अगर हम स्क्रिप्ट को एंड तक प्ले करें तो वो जो व्हाट इफ़ है ना उसमें से जान निकल जाती है और हम कहते हैं सो व्हाट इफ़, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमें बात करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। फिर कुछ बिहेवियरल टेक्निक्स हैं हमारे पास, जैसे PMR है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। तो वो मैं एक अलग वीडियो में इंशाल्लाह पूरा प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन आपको करवाऊंगा, और इंशाल्लाह इट विल बी कमिंग सून इन वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ दिस कोर्स। अच्छा, फिर फैक्ट चेकिंग या रियलिटी चेकिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है। जैसे मेरा एक साइकोटिक क्लाइंट था जो कहता था कि जी मेरे घर में कैमरे लगे हुए हैं और वहाँ से मुझे जो है वो अमेरिका तक देखा जा रहा है, और वहाँ से मुझे जो ज़ायनिस्ट हैं वो मुझे मॉनिटर कर रहे हैं।
तो मैंने कहा कि जी ठीक है, वो फॉर आर्ग्यूमेंट से अगर हम थोड़ी देर मान भी लें तो आप ज़रा चेक तो कीजिए कि कैमरे कहाँ लगे हैं। तो वो ही वेंट होम एंड ही लुक्ड अराउंड एंड ही सेड कि मुझे लगता है कि आप ठीक कह रहे हैं कि ये एक डिल्यूजन है, क्योंकि मैंने चेक किया और मुझे कैमरे नहीं मिले। तो ये वाकई मेरा मफरूजा था, हकीकत नहीं थी। सो इवन पीपल विद साइकोसिस, लेकिन यहाँ पे मैं क्वेश्चन करूँगा, लॉन्ग स्टैंडिंग वाले का प्रोग्नोसिस इतना अच्छा नहीं होता। दिस वॉज अ रिसेंट केस, तो चूँकि नया नया ऑनसेट था तो इनसाइट बिल्ड करनी ईजी थी, तो ही वॉज एबल टू चेक फॉर रियालिटी। फिर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और मेरे, लेकिन फिर भी इतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए, एंड दैट इज़ कोपिंग स्टेटमेंट्स। छोटी छोटी स्टेटमेंट्स जो कि क्लाइंट को दे दी जाएँ चिटों पे, कि जनाब जैसे फील हो तो ये देख लो, मसलन आई एम नॉट वर्थलेस, आई हैव ग्रेट वर्थ एज अ ह्यूमन बींग, मसलन आई कैन फेस माई एंगजाइटी, आई कैन लिव टू टेल द टेल। आप छोटी छोटी स्टेटमेंट्स क्लाइंट के साथ मिल के बना लें, उर्दू में, पंजाबी में, अंग्रेज़ी में, जिसमें वो ज़्यादा कम्फर्टेबल फील करें, जो उनकी प्रॉब्लम में डील करने कि न सिर्फ उन्हें मदद करें बल्कि उनके याद दिलाती रहें कि उनके पास एबिलिटी है इसको फेस करने की। और आज जो मैं आखिरी टेक्निक जिसकी बात करूँगा आपसे, वो है रीफ्रेमिंग। और रीफ्रेमिंग में होता है कि हम अपनी वीकनेस को, अपने चैलेंज को, अपनी डिफ़िकल्टी को ऐसी सिचुएशन में और ऐसे कॉन्टेक्स्ट में इमेजिन करते हैं जिसमें वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाए। मसलन अगर मुझे वो कोई कहता है कि जी मैं ओवर सेंसिटिव हूँ, तो मैं उन्हें एक बात समझाता हूँ, स्पेशली अगर वो साइकोलॉजी स्टूडेंट है, कि एक साइकोलॉजिस्ट के लिए सेंसिटिविटी से बेहतर चीज़ नहीं हो सकती। तो अगर हम में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है और अगर हम बहुत ज़्यादा हसास हैं, ख़ास तौर पे अगर हम दूसरों की तकलीफ़ के बारे में बहुत ज़्यादा हसास हैं, तो हम में एम्पथी बड़ी आसानी से आ जाएगी और हम अपने क्लाइंट से बहुत बेहतर डील कर सकेंगे। तो एक दफ़ा जब वो अपनी सेंसिटिविटी को अपनी वीकनेस की बजाय अपनी स्ट्रेंथ समझना शुरू कर देते हैं, तो उनकी ये हाइपर सेंसिटिविटी थोड़ी सी मेलो डाउन भी हो जाती। तो व्यूअर्स, ये था एक तारुफ या पार्ट वन ऑफ माई कोर्स ऑन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट टू विच विल कम नेक्स्ट वीक। तब के लिए खुदा हाफिज। सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। खुदा हाफिज।